नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक रंजन सिंह और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आज हम बात कर रहे हैं नेताओं की बदजुबानी की। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जिस तरह तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, वह राजनीति में शुचिता के लिहाज से कितना सही है और कितना गलत, इसी मसले पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार से। डॉक्टर मनीष जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, ये राजनीतिक भाषा किस ओर जा रही है? एक तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया हमारा चुनाव जी, और हर पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड रियलिटी के बारे में धीरे धीरे मालूम चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली दे आर मेकिंग देयर ओन स्ट्रेटजी। एक तो पूरी लड़ाई जो है जी, वो पर्सनल मुद्दों पे आकर टिक गई है। पर्सनल मुद्दा इसलिए कि भाई कोई किसी की शादी की स्टेटस को भुनाना चाह रहा है, कोई वाड्रा का इशू उठा रहा है, कोई गुजरात का बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई, तो दानव, तो इस तरह की जो बयानबाजी शुरू हुई है, इसके दो तीन माने हैं। अब इसको समझना जरूरी है, जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और सबसे मजेदार बात क्या है, इस पूरे इस खेल में जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी है जी। बाकी सब एक्टर बदल जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वो बीच में रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो 12-13% इसमें जो है एक वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। पहली बात, 12% वोट बढ़ने का मतलब है कि कोई लुंज पुंज सरकार नहीं बनेगी, लोग डिसाइसिव होकर के वोट दे रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि लोग कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं जी। दूसरा एक सवाल है जो बहुत सारे टीवी चैनलों के ऊपर जो है उस माइक्रोस्कोप लगा के देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि भाई ये बढ़ोतरी का मतलब क्या है। इस बढ़ोतरी का मतलब साफ है कि ये बढ़ोतरी जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। किसी भी वेव के लिए ये जरूरी होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो 5-7% ऊपर जाए। कितनी भी वोट, जो लैंडस्लाइड विक्ट्रीज जितनी हुई हैं इस देश में किसी भी चुनाव में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो जो है 5% वोटिंग में बढ़ोतरी होती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ कोई भी आदमी चला जाता है, चाहे वो जिसको भी मिले, जैसे नीतीश कुमार के साथ था जी, जैसे पिछले बार यूपी में हुआ, अभी राजस्थान में जो हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है आप बढ़ जाते हैं। लेकिन मनीष जी, एक जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि योगेंद्र यादव जी, खासकर वो लोग जो आम आदमी पार्टी में बहुत विश्वास रखते हैं जी, योगेंद्र यादव जी पिछली बार जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि भाई सर्वे या नो सर्वे ये सब छोड़ दीजिए, हर आदमी को अपना अपना सर्वे करना चाहिए। वो सर्वे ये है कि भाई घर से बाहर निकलिए, किसी 10 आदमी को रोक करके पूछ लीजिए, किसी 10 आदमी को, उसमें अगर 5-7 आदमी एक ही बात बोल रहा है तो समझ जाइए कि भाई, तो ये फार्मूला जो है मुझे पसंद आया। उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है, उसे सही बात है, अगर ये आप काम करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 12% का जो बंप जो वोटिंग में हो रहा है वो किसके फेवर में जा रहा है। तुरंत मालूम चल जाएगा कि भाई ये 12% का जो बंप है ये लहर है कि सुनामी है कि आंधी है या कुछ भी नहीं है या मीडिया क्रिएशन है। हम ये बात कर रहे थे कि जब ये एग्जिट पोल्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने से करवाती हैं, तो उनको ये बात साफ साफ अब मालूम चल गया है कि रुख क्या है जी। लेकिन मनीष जी, हाँ, एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, आपके हिसाब से कि कांग्रेस यह मान चुकी है या फिर समाजवादी पार्टी के नेता यह मान चुके हैं कि इस चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी जो कि यह मान के चल रही है कि वो सत्ता में आएगी, उनके नेताओं द्वारा इस तरह की तल्ख टिप्पणियाँ, खासकर मतलब कई मामलों में, जैसे गिरिराज सिंह ने कहा है, फिर आपको अमित शाह का बयान है, तो इसे किस रूप में देखते हैं? वो हीनियस है, वो गलत है कि जो पार्टी के पेरिफेरी के नेता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सेंट्रल लीडरशिप होती है और सेंट्रल लीडरशिप के साथ एक जो पहले सर्किल के लोग होते हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पेरिफेरी में होते हैं। अब ऐसा है कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, तो बांका में आम आदमी पार्टी का नेता जो शायद 100 वोट पाए 150 वोट पाए वो क्या बयान दे रहा है, उसके लिए पॉलिटिकल पूरी आम आदमी पार्टी को हम सवालों के घेरे में खड़ा कर दें
तो ये थोड़ा नाजायज हो जाता है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप उससे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिसको कम से कम भाषा जो है अपनी उस तरह की रखनी चाहिए। तो ये एक मसला जो है वो बना। क्या इससे पहले ये कहा गया था कि भाई अगर मोदी देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है, तो हम देश छोड़ देना पसंद करेंगे? देखिए, ये होता क्या है कि आदमी इन द हीट ऑफ मोमेंट कुछ भूल जाता है। लेकिन जब आप केंद्रीय लीडरशिप, पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन या फर्स्ट सर्किल के लोग जब इस तरह के बयान करते हैं, तो ये समझिए कि पार्टी की स्ट्रेटजी है जी। बात समझिए। अब जैसे रामदेव जी के मुंह से कुछ निकल गया, तो रामदेव बाबा बिल्कुल वो इंटेंड नहीं कर रहे थे जो उनके ऊपर लाद दिया गया। वो दलितों के अपमान में कुछ नहीं बोल रहे थे, वो जबरदस्ती इन लोगों ने जो है उसको मुद्दा बना दिया जी। मीडिया के लोगों ने उसको जो है खड़ा कर दिया। इस तरह के महिलाओं के खिलाफ जो है बहुत सारे अपमानित वर्ड जो हैं बहुत सारे देश में धर्मगुरु दूसरे दूसरे धर्मों के लोगों ने किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है इस तरह से कुछ मौलानाओं कहा था कि भाई औरतों का जो का काम जो है सिर्फ बच्चा पैदा करना है। कौन लोग माफी मांगने के लिए आए थे सामने, और कौन लोग जो उसको गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे? कोई नहीं, तब महिला का अपमान नहीं हुआ था। तो खैर, ये अलग मसला है, लेकिन ये सब जो है ये स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन गिरिराज सिंह की जो बात है आपने कही, तो गिरिराज सिंह की जो का जो है वो एक अलग तरह के सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हर लोग करता है। जहां टीवी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है बस वही दुनिया है। जैसा कि मैंने कहा, बिहार में इस तरह की भाषा कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है। लेकिन हाँ, गलती हुई है, ये गलत है इस तरह की चीजों को जो, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा हुआ है जी। आपके हर चीज को जो है उसको नोच नोच करके देखा जाएगा। तो ये जो उस पर सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बरती गई। जिस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, चाहे वो मोदी जी के शादी के स्टेटस को लेकर के या फिर वाड्रा को लेकर के जो सीडी निकाली जा रही है, या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मोदी को बूचर कहा जा रहा है, ये सब जो है दीज आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। जैसे कि आज एक फोटो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि आप जो है नरेंद्र मोदी को जो है किसी एक हवाला ऑपरेटर से जो है आप जोड़ करके दिखा दो। अच्छा, ये भी वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिसे मीडिया के जो चतुर एडिटर होते हैं जो घुमा करके सवाल पूछते हैं, अरे भाई आपको आरोप लगाना, आप बताओ कि भाई कि कोई मैंने ये जो है हवाला ऑपरेटर के साथ काम करते हैं, और काम करते हैं तो उसके लिए प्रूफ दीजिए। आपने फोटो दिखा दिया, शाम तक में दूसरी फोटो आ गई अजरुद्दीन की। प्लस ये भी पता लग गया कि भाई वो जिस डेलीगेशन में गए थे, उस डेलीगेशन के लोग ये बता रहे हैं कि भाई जो पट्टा जी हैं उनका जो रिश्ता जो है वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर के साथ है। अब पता नहीं कितने फोटोग्राफ्स आएंगे। तो अब कोई आदमी डेलीगेशन में मिलने के लिए गया है, कोई कुछ करने के लिए गया, क्या यही सवाल का जवाब वो जायसवाल के साथ ये लागू नहीं होता जी? जो कोयला घोटाले में जो शामिल जायसवाल ब्रदर्स के साथ वो शादी में और उसमें गए हुए थे, उनके साथ फोटो था, उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई पब्लिक फिगर है, कोई आदमी आता है, हम बहुत सारे सोशल फंक्शंस में जाते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मोदी पे अटैक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो अटैक जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मे बी बाय नाउ दे नो फॉर श्योर अपने एजेंसी के जरिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, एग्जिट पोल कराने वाली कंपनियों के जरिए, उनको कांग्रेस पार्टी को यह मालूम चल गया है कि ये चुनाव डिजास्टर होने वाला है जी। और दूसरी बात, और डिजास्टर इसलिए होने वाला है क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, वोट मोदी को दे रहे हैं। और इसलिए आपको कोई भी अटैक करना हो जी, वो गुजरात मॉडल पे नहीं, दंगों पे नहीं, किसी और चीज पे नहीं, आपको सीधे और सीधे मोदी के ऊपर, उसके इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक करना होगा। ये स्ट्रेटजी है। बंगाल में क्या स्ट्रेटजी है कि बंगाल में भी ममता बनर्जी को ये रियलाइज हो गया, ममता बनर्जी इज गुड, माने इस मसले में जो है उसकी स्ट्रेटजी ये है कि लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी तो यहां बेकार हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद है कि ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है वहां पे मीडिया में, पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी
और तृणमूल कांग्रेस आपस में लड़ रही है जी। और इतने कठोर वर्ड जो इस्तेमाल हो रहे हैं बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो इसलिए कि वहाँ पे 26-30% मुसलमान हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान है वहाँ पे, वहाँ हार और जीत का फैसला करती है। तो वहाँ जो मुस्लिम वोट जिसको चाहिए तो मुस्लिम वोट उसी को मिलेगा जो मोदी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी बहुत सारे इलाके में जहाँ वोटिंग होनी है वहाँ पे कम्युनिस्टों का गढ़ है जी। तो वो जो है वो मोदी को ऊपर इन लोगों ने निशाना डाला है। यानी कहने का मतलब कि जो भी टिप्पणियां आ रही हैं नेताओं से, एक खास कम्युनिटी को आकर्षित करने के हिसाब से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे अभी फारूक अब्दुल्ला ने भी जो बयान दिया है कल कि जो मोदी को वोट मतलब देंगे उन्हें समंदर में डूब जाना चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि जो जो पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं वो भी इस तरह की बदजुबानी वो कर रहे हैं? देखिए ये राजनीति है जी। चुनाव जीतना इन लोगों का पहला काम है, और ये सिर्फ उसको आप कम्युनिटी के हिसाब से मत देखिए, आप उसको वैसे भी देख लीजिए कि भाई जो मेजर वोटिंग चंक है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे यूपी में जो जगह, जो ईस्टर्न यूपी जो भी बचा हुआ है, जो कांग्रेस का गढ़ है, जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत सारे सीटों पर डिसाइसिव फैक्टर हैं वो, उसमें ये लोग चाहेंगे कि भाई हम इस तरह का काम करें। और बहुत सारे फेजेस हो चुके हैं, लोगों को मालूम है कि भाई लोग वोट कर रहे हैं मोदी के नाम पे या मोदी के विरोध में, तो ये स्ट्रेटजी चल रही है। तो ये पार्ट ऑफ, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई जो है कि गुस्से में बोल दिया गया या जुबान जो है लड़खड़ा गया या कुछ हो गया, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि भाई आपको अगर एक वोट बैंक के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मोदी के खिलाफ बोलना होगा। तो अभी कुछ और चरणों के चुनाव होने हैं, आपको लगता है कि ये बदजुबानी का जो सिलसिला अभी जारी है कुछ इसमें और इजाफा होगा, कुछ और भी कड़वे बोल बोले जाएंगे? ये मैंने पिछली बार भी मैंने कहा था कि अभी और भी कड़वे बोल बोले जाएंगे, और वो वैसा हो रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव के बिल्कुल केंद्र में है जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के समर्थक और विरोधियों के बीच में ये चुनाव हो रहा है पूरे देश में। आप ये देखिए कि इस तरह का अद्भुत चुनाव तो पहले कभी हुआ नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव के केंद्र में हो, ये मुद्दा बन जाए कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनाना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि जो किसी एक पर्सन के केंद्र में आकर रुका हुआ है। मैं 2 साल से यही बात कहता आ रहा था कि चुनाव अद्भुत होने वाला है और नरेंद्र मोदी जो है इसके केंद्र में आएंगे, और ये सौभाग्य आज़ाद भारत के किसी भी नेता को नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा देश का जो भविष्य जो है एक व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर आकर के टिक जाए। तो इसका जो है फायदा हमेशा जो है बीजेपी को मिलता चला जाता है। वो रीज़न ये है कि आप जितना भी आज आप पोलराइज करोगे तो पोलराइजेशन का फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस देश में, इस देश का माइनॉरिटी अकेला ये चाल है कि भाई नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देना है, वो पॉसिबल नहीं है। आप पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पोलराइज्ड पॉलिटी में नरेंद्र मोदी या आरएसएस या बीजेपी को अगर हराना है तो हराने का काम हिंदू ही करेगा जी। हिंदू के अलावा इन लोगों को नहीं हरा सकता। तो ये स्ट्रेटजिकली आपने जो है इस तरह से माहौल को बनाया मोदी विरोध का, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मोदी आज इस केंद्र में इसलिए है क्योंकि मोदी विरोधी ताकतों ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, समय, टाइम, प्रोपेगेंडा से लेकर के सब कुछ, धन, इतने सब कुछ इन लोगों ने खर्च कर दिया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आज जो है एक बिल्कुल केंद्र में बैठे हुए व्यक्तित्व है जिनके ऊपर भारत के भविष्य का जो है फैसला होने वाला है। लेकिन मनीष जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि खासकर जो अभी रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि जमीन मामले में या फिर जो उनकी संपत्ति पिछले 3 या 5 वर्षों में जो कई गुनी बढ़ी है, इसमें कांग्रेस पार्टी इस मसले पर खामोश क्यों है अगर ये आरोप विपक्षी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी तो खामोश रहेगी। आप अगर कोई आदमी दुनिया में ये सोच रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो जमीन का घोटाला भी करे, वो अपना बिजनेस भी बढ़ा कर लें,
लीगल इलीगल तरीके से जो भी तरीका हो, क्या आप ये सोच रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी इस पर जांच करे, इस पर इन्वेस्टिगेशन करे जी, तो ये तो हमारे साथ कुछ समस्या है। नहीं तो वो आरोपों का जवाब तो दे सकते, आरोपों का जवाब कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी। जब तक इस मसले पे नेहरू गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को अधिकृत रूप से कहा नहीं जाए कि क्या बोलना है, कोई व्यक्ति अपनी जुबान नहीं खोल सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर करना चाहिए कि वो कब तक सरकार बनने के बाद, कितने दिनों के बाद वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे जी। क्योंकि ये जो है बहुत सारा मसला है। इस बीच आपको एक और मैं बता दूं, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तो ये 10 साल का जो कांग्रेस पार्टी का जो रिजीम रहा, एक हेल्पलेस अनइलेक्टेड अनइलेक्टेबल व्यक्तित्व को सोनिया गांधी ने जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उसकी वजह से ये पूरा 10 साल का जो पीरियड है हिंदुस्तान के इतिहास में काला धब्बा की तरह वो जाना जाएगा। और समस्या ये है कि वो कहते हैं ना कि भाई इनकी आदत से अभी ये जो है मजबूर है। पूरा देश चुनाव में व्यस्त है और यूपीए सरकार जिस तरह से सीबीआई की रिपोर्ट बदलने में लगी हुई थी कोयला घोटाले में, उसी तरीके से हर घोटाले के कागजों को जो है बंद किया जा रहा है, क्लियरेंस दिया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, फिनेंस मिनिस्ट्री में तबादला हो रहा है, लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है। मतलब पूरा गेम चल रहा है। हर बड़ी में आपने जो है नेवी का चीफ बना दिया, आर्मी का चीफ बनाने जा रहे हो, कुछ से कुछ आप किए जा रहे हो किसी तरीके से। भाई इसका मतलब है कि अभी तक पिछले 10 सालों में जो हमने जितना शर्मनाक स्तर पे घोटाले और भ्रष्टाचार के रूप को देखा है, अगर नई सरकार आती है और राजनीतिक मित्रता को दरकिनार कर देश के बारे में सोचते हुए इन सब चीज़ों के ऊपर देश का ध्यान और इन्वेस्टिगेशन करवाती है, और पारदर्शी रूप से अगर इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई उसमें हौच-पौच नहीं कि जिसने अगर गलती की उसको सजा दिलाए, तो ये आने वाली नई सरकार का जो है जी, इस देश पे जो है एक उपकार होगा। यहाँ पे एक सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में एक दूसरे के प्रति नेताओं की टिप्पणियां पहले भी होती थी, लेकिन वो एक मर्यादा के भीतर, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में जो आज ये हो रहा है, तो इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बहुत सारे इस देश में लोग हैं और हर स्तर पे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे मीडिया हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, टीचर हो, वकील हो, उनको ये बात पचता ही नहीं है कि इस देश में मोदी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, 100 की सीधी बात मैं बता रहा हूँ आपको, उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि मोदी भी कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और जिसकी वजह से बदजुबानी का ये जो स्तर जो है ये इस लेवल पे पहुँच गया है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष कुमार, जो बता रहे थे कि इन दिनों चुनाव में जिस तरह से नेताओं की बदजुबानी देखने को मिल रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी विरोध है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार।